हेलो दोस्तों आज हम इस वीडियो में हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम प्रैक्टिस करेंगे लेकिन इसमें खास बात क्या है कि हम टेन लैंग्वेजेस में हेलो वर्ल्ड देखेंगे आज एक ही बार में uh, आप लोग शायद हेलो वर्ल्ड ऑलरेडी जानते होंगे लेकिन ये थोड़ा फन एक्सरसाइज है कि दस लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सी में बिकॉज सी uh, सभी को uh, बहुत लोगों को आता है काफ़ी ईजी है मैं इसके लिए एक वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम है बिट सिम्प्लीफाई सिम्प्लीफाई डॉट कॉम ओके इसमें क्या है कि ऑलरेडी दिया हुआ है सारे लैंग्वेज बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं यहाँ बीस से भी ज़्यादा लैंग्वेज है. है उसको कंपाइल कर सकते हैं उसको रन भी कर सकते हैं और कंपाइलर फ्लैट डाल के और यहाँ प्ले बटन है प्ले बटन दबाएंगे तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा ऑनलाइन तो सबसे पहले सी का स्टार्ट करते हैं सी सेलेक्ट कर दिए रन पे ऑलरेडी सेलेक्टेड है प्ले दबाए तो देखिए हेलो वर्ल्ड आ गया सी में हेलो वर्ल्ड लिखना बहुत आसान है आपको अगर पता है तो ठीक है बट थोड़ा मैं बता देता हूँ जिनको नहीं पता है इंक्लूड जो इंक्लूड है कर रहे हैं हम एस टी डी आई ओ डॉट एच वो है फाइल होता है उसमें बहुत सारे यूज़फुल फंक्शन होते हैं इनपुट आउटपुट के लिए जैसे प्रिंट एफ जो फंक्शन है वो एस टी डी आई ओ डॉट एच में ऑलरेडी बना हुआ है तो उसके लिए हम आ, उसको यूज़ करने के लिए उनको हम इंक्लूड करना पड़ता है और प्रिंट एफ फंक्शन क्या करता है वो प्रिंट कर देता है एस टी डी आउट में ये देखिए राइट साइड में एस टी डी आउट लिखा है वहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया ओके वो आप जल्दी से दूसरे लैंग्वेज में जाते हैं सी प्लस प्लस में देखिए सी प्लस प्लस क्लिक करने से आता है कि डू यू वॉन्ट टू रिप्लेस डिफॉल्ट कोड स्टब मैंने करा ओके okay. अब देखिए सी प्लस प्लस का हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आ गया सी प्लस प्लस और सी का हेलो वर्ल्ड काफ़ी सिमिलर है तो इसको सबसे पहले रन करके देखते हैं देखिए जनरेट करके एस टी डी आउट में आ गया हेलो वर्ल्ड सी प्लस प्लस में हेलो वर्ल्ड अगर आपको आता है तो ठीक है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसमें भी वैसा ही होता है सी जैसा कि सबसे पहले इंक्लूड करना होता है एक आ, एक हेडर फाइल को सी प्लस प्लस में उस हेडर फाइल का नाम है आईओ स्ट्रीम आईओ स्ट्रीम जो हेडर फाइल है उसमें सी आउट जो एक है सी आउट एक ऑब्जेक्ट है ये फंक्शन नहीं है ये ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट में आ, को आप पास करते हैं जो भी पैरामीटर ये लेस देन लेस देन ऑपरेटर जो है ये उसको कहते हैं ओ स्ट्रीम ऑपरेटर आउटपुट स्ट्रीम ऑपरेटर है और इसमें जो भी पास करेंगे वो सीधे कॉन्सोल में यानी एस आउट में वो प्रिंट कर देता है ओके यूजिंग नेम्स पे स्टैंडर्ड है जो ये सी प्लस प्लस में नेम स्पेस का कॉन्सेप्ट होता है उसका मतलब होता है कि कोई भी क्लासेस और ऑब्जेक्ट को एक नेम स्पेस में डाल देते हैं ताकि हम उसको ए, आ, स्कोपिंग कर सकें वेरिएबल का जैसे सी आउट जो है वो नेम स्पेस एस में है एस मतलब स्टैंडर्ड नेम स्पेस जो कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज के लिए स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज में यूज़ होते हैं ओके okay? जल्दी से फिर पाइथन में जाते हैं पाइथन में पाइथन टू और थ्री दोनों है मैं सिर्फ एक का यूज़ करूँगा पाइथन टू है ये एक्चुअली इस पाइथन टू में ऐसे लिखा जाता है पैरेंथिस नहीं होता तो ये बहुत ईजी है पाइथन में प्रिंट हेलो वर्ल्ड काफ़ी आसान होता है इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रिंट फंक्शन ऑलरेडी पाइथन में इनबिल्ट होता है कुछ इम्पोर्ट या इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है पाइथन टू और पाइथन थ्री सेम है मैं उसको स्किप कर देता हूँ जावा में चलते हैं जावा में सेम हेलो वर्ल्ड के लिए थोड़ा बड़ा हो जाता है प्रोग्राम बिकॉज जावा में हर चीज़ क्लास के अंदर लिखना पड़ता है और मेन uh, फंक्शन होता है जावा में उसको उसको भी क्लास के अंदर ही रखना पड़ता है लेकिन ये मेन फंक्शन है तो ये ये एक क्लास ये, ऑब्जेक्ट ये है ये ये स्टैटिक फंक्शन है ये बेसिकली क्या होता है कि क्लास के अंदर दो तरह के फंक्शन होते हैं एक होते हैं नॉन स्टैटिक फंक्शन एक स्टैटिक फंक्शन स्टैटिक फंक्शन को डायरेक्टली हम बाहर से एक्सेस कर सकते हैं बिना ऑब्जेक्ट बनाए हुए लेकिन नॉन स्टैटिक फंक्शन के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है क्योंकि मेन तो हमेशा एग्जिस्ट करना ही चाहिए इसलिए मेन होता है स्टैटिक फंक्शन और इसके अंदर हमने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन हेलो वर्ल्ड इसी तरफ ये प्रिंट एक तरह से जस्ट शॉर्टकट के लिए समझ लीजिए कि यहाँ पे प्रिंट फंक्शन है जो कि हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर रहा है सिस्टम आउट क्या है ये एक तरह का एक मॉड्यूल है ये मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इंपोर्टेड इंपोर्ट होता है जावा के जब जावा आप रन करते हैं इस प्रोग्राम को रन करेंगे और देखिए यहाँ पर फिर हेलो वर्ल्ड आ जाएगा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया सेम ओके नेक्स्ट पे चलते हैं जावा स्क्रिप्ट नोट जे एस पे नोट जे एस जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज है नोट जेस उसका कंपाइलर है इसलिए दोनों साथ में यहाँ लिखा हुआ है कौन्सोल डॉट लॉग ये भी बहुत ईजी है कौन्सोल जो मॉड्यूल है उसमें लॉग फंक्शन होता है लॉग फंक्शन क्या करता है कि एस टी डी आउट में आप जो भी डालते हैं यहाँ पे वो प्रिंट कर देता है तो ये भी बहुत ईजी है हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया जावा नोट जेस में दूसरा जाते हैं ये बैश है बैश को हम ये बैश को फैसिलिटी यहाँ पर नहीं है एस टी डी आउट का तो अगर जो लैंग्वेज की फैसिलिटी यहाँ पर नहीं है उसको क्लिक करेंगे अगर आप तो क्या होगा कि ये सिर्फ प्रोग्रामिंग स्क्रीन आ गया यहाँ पे ये यह देख रहे हैं ऐसे लिख सकते यहाँ पे आप बैश स्क्रिप्ट लिख सकते हैं ऐसे करके सब ऐसे तो यहाँ पे लिख सकते हैं इको हेलो लेकिन बैश का इसमें फैसिलिटी नहीं है तो ये सिर्फ आप कोडिंग कर सकते हैं इसमें इसमें रन नहीं कर सकते बैश को सपोर्ट करना डेंजरस होता है इसलिए इसमें सपोर्टेड नहीं है सी शार्प में चलते हैं सी शार्प लैंग्वेज काफ़ी पॉपुलर है इसमें देखिए सी शार्प में सी प्लस प्लस और जावा का थोड़ा कॉम्बिनेशन आपको दिखने को लगेगा क्योंकि सी प्लस प्लस नेम स्पेस होता है और जावा सी शार्प में भी नेम स्पेस होता है और सी प्लस प्लस जैसे जावा में क्या होता है कि क्लासेस होते हैं हर चीज क्लास के अंदर होना चाहिए उसी तरह सी शार्प में भी क्लास के अंदर रहता है और देखिए स्टैटिक फंक्शन है बिकॉज मेन फंक्शन को हम बाहर से बिना ऑब्जेक्ट बनाए कॉल करना चाहते हैं ठीक है जावा के जैसे ही इसमें स्ट्रिंग आर्ग्स होते हैं सी प्लस प्लस के जैसा नहीं है और कौंसोल uh, जो ये क्लास है कौंसोल क्लास के अंदर राइट लाइन एक फंक्शन है जो कि राइट right लाइन मतलब जो भी चीज़ आप इसमें स्ट्रिंग पास करेंगे वह स्टडी आउट में वो प्रिंट कर देगा एक और बात क्या है देखिए कि ये जो कौनसोल है ये राइट right लाइन है आप गेस कर सकते हैं कि राइट right लाइन जो है एक एक फंक्शन है और ये कौन्सोल क्या है एक एक क्लास है ओके इसको रन करते हैं सी शार्प को सी शार्प का हेलो वर्ड प्रिंट हो गया ऑल राइट नेक्स्ट क्या है गो गो में चलते हैं गो का प्रोग्राम बहुत ईजी है देखिए पैकेज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे पैकेज मॉड्यूल ये सब सिमिलर कॉन्सेप्ट होते हैं और गो में क्या है इम्पोर्ट यूज़ होता है सी सी में क्या यूज़ होता है सी में यूज़ होता है इंक्लूड सी प्लस प्लस में इंक्लूड होता है इम्पोर्ट का फंडा क्या है कि इम्पोर्ट में इंक्लूड गार्ड वगैरह नहीं लगाने पड़ते हैं इसलिए थोड़ा ईजी होता है और देखिए फॉर्मेट जो मॉड्यूल है उसमें प्रिंट एलन एक फंक्शन है प्रिंट एलन एक लाइन को प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड यहाँ पे है इसको रन करके देखते हैं एस टी डी हॉट में फिर से हेलो वर्ल्ड आ गया इस तरह से डायरेक्टली हम ऑलरेडी कितने सारे लैंग्वेज में सीख चुके हैं कॉर्टलिन भी बहुत फेमस है आजकल क्योंकि एंड्रॉयड में कॉर्टलिन का सपोर्ट आ गया है एंड्रॉड में कॉर्टलिन लोग बहुत यूज़ कर रहे हैं तो इसका भी सेम है देखिए इसमें प्रिंट एल फंक्शन है और प्रिंट एलेंड को इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जैसे जावा में क्या होता है सिस्टम जो मॉड्यूल होता है ऑलरेडी इम्पोर्टेड होता है तो इसी तरह इसमें भी प्रिंट एल फंक्शन ऑलरेडी आ जाएगा आपको डायरेक्टली uh, तो इसका प्रोग्राम देखिए थोड़ा टाइम लग रहा है बिकॉज स्काटलिन प्रोग्राम एग् इसको कंपाइल करने में थोड़ा टाइम लगता है ओके तो इसलिए हेलो वर्ल्ड यहाँ देखिए प्रिंट हो गया और ये जो स्ट्रिंग आर्ग है आर्ग बेसिकली मेन को आप कोई भी आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं कमांड लाइन से जब प्रोग्राम को इन्वोक करते हैं ओके ऑब्जेक्टिव सी ऑब्जेक्टिव सी पॉपुलर है सिर्फ एप्पल के दुनिया में ओके और एप्पल में जब आईफोन में जब ऐप लिखते हैं तो ऑब्जेक्टिव सी में लिखते हैं आजकल स्विफ्ट भी आ गया है लेकिन ऑब्जेक्टिव सी भी अभी भी, भी बहुत लोग यूज़ करते हैं तो सी में क्या होता है फाउंडेशन करके एक मॉड्यूल होता है जिसमें सारे स्टैंडर्ड फंक्शन वगैरह होते हैं जैसे एनएस लॉक जो फंक्शन है वो फाउंडेशन लाइब्रेरीज में होते हैं और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं ऑटो रिलीज पुल ऐसे में मेमोरी मैनेजमेंट के लिए तो इतना जरूरी नहीं है जानना इसको सभी क्योंकि हम सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रैक्टिस कर रहे हैं देखिए इसमें हेलो वर्ल्ड आ गया ऑब्जेक्टिव सी का अब लास्ट देखेंगे हम पैसकल देखते हैं पैसकल लैंग्वेज एकेडमिक uh, इंटरेस्ट के लिए आजकल कोई इसको यूज़ नहीं करता लेकिन पुराने ज़माने में स्कूल uh, कॉलेज में बहुत पढ़ाई होती थी पैस्कल सब लोग इसको यूज़ करते थे ऑलराइट right. तो ये हो गया पैस्कल uh, का right. अब uh, अब हम एक और फीचर देखते हैं बिट सिम्प्लीफाई में क्या है देखिए बिट सिम्प्लीफाई में इतने सारे लैंग्वेज का हम प्रैक्टिस कर सकते हैं लेकिन एक बहुत ही यूज़फुल फीचर है यह शेयर कोड का इसको जब आप क्लिक करेंगे शेयर को तो ये पेज रिफ़्रेश होके अभी देखिए ब्राउज़र में एक नया लिंक आ गया है इस लिंक को आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं ब्राउजर से और यहाँ पे कॉपी शेयर लिंक है इसको भी प्रेस करेंगे तो कॉपी हो गया ये अब ये क्या है अब अगर आप कॉपी करके आप शेयर कर सकते हैं इसको किसी फ्रेंड को या किसी कॉलिग को या अगर आप किसी को इंटरव्यू लेना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिए अब दोनों को सेम ही चीज़ दिख रहा है ओके अब देखिए दो टैप है मेरे पास दोनों में सेम कोड है मैं एक टैप में चेंज करता हूँ कुछ हेलो वर्ल्ड ठीक है हेलो हैं बिट सिम्प्लीफाई लिख दिए ओके अब देखेंगे क्या कि दूसरे टैब में भी वही आ गया देखिए दूसरे टैब में भी हेलो बिट सिंप्लीफाई यहाँ पे भी हेलो बिट सिंप्लीफाई दोनों में सेम आ गया ओके okay. और रन कर सकते हैं कहीं से भी रन कर सकते हैं okay. ओके ये हो गया जब आप लेकिन शेयर कर देंगे तो आप शेयर बटन ऑब्वियसली चला गया बिकॉज आप अब अब शेयर को शेयर क्या कर सकते हैं और क्या क्या फीचर है इसमें देखिए डार्क मोड कर सकते हैं किसी बहुत सारे लोगों को डार्क मोड बड़ा पसंद है और अगर कुछ फीचर समझ में नहीं आ रहा है तो बेस्ट क्या है विकी में जाए और विकी में बहुत सारे फ़ीचर को एकदम ढंग से एक्सप्लेन किया हुआ है ओके तो ये हुआ हमारा टेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हेलो वर्ल्ड प्रैक्टिस करना थैंक यू